मॉर्निंग एवरीवन. आई सेड वेलेस्ट मॉर्निंग एवरीवन. वेल इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, नाम मेरा शानू जादव, मैं ग्वालियर सिटी को बिलोंग करती हूँ. आज से 2.5 साल पहले लगभग जुलाई का वो महीना था जब मुझे भी अभी की तरह एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने का मौका मिला था जो आज कहीं ना कहीं ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो आने वाली टाइम की नंबर वन कंपनी होने वाली है उसको जानने का मुझे मौका मिला. एंड चैलेंजेस मेरे सामने भी थे, अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस मेरे सामने भी काफी थे, बट जब मैंने कंपेयर किया, फैक्ट एंड लॉजिक को समझा, तो मुझे बेस्ट डिसीजन लगा एंड मैंने स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में बहुत सारे चैलेंजेस दिखे. आज आपको इतनी जबरदस्त मतलब रेडिसन जैसी प्रॉपर्टी में आने का मौका मिला, बट जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम बहुत ज्यादा ना तो प्रोडक्ट्स थे, ना ही बहुत ज्यादा सर्विसेज थे और ना ही बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स थे. जब मैंने स्टार्ट किया था तब सर ओटलार के अंदर टोटल 4 to 5 क्वींस थे एंड उनके अंदर कोई भी यंग एक क्वीन नहीं थी जिसको देखकर मैं इंस्पायर्ड हो पाती और जिनको देखकर मैं इंस्पायर्ड हो पाती और अपने लिए कुछ विजन ले पाती. बट कहते हैं ना कि कितना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम और इतनी जबरदस्त मेंटरशिप मेरे साथ थी कि मुझे बिलीव दिलाया गया, मुझे ट्रेन किया गया, मुझे एजुकेट किया गया. एंड आफ्टर दैट आई हैड टेक अ कमिटमेंट दैट आई हैव टू बिकम अ 7th क्वीन स्ट्राइकर एंड द यंगेस्ट क्वीन स्ट्राइकर इन ओटलार. एंड बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं 2 पोजीशन से ओटलार को प्रमोट कर रही हूँ. वन इज शानू जादव, सेकेंड वन इज विपुल जादव. विपुल जादव वाली पोजीशन को मैं किंग बना चुकी थी, दैन मैंने शानू जादव वाली पोजीशन को जिस दिन कमिटमेंट लिया उस कमिटमेंट के 90 डेज के अंदर उस पोजीशन को भी क्वीन बनाकर आपके सामने खड़ी हुई हूँ. शायद आप लोग समझे नहीं, मैं 2 पोजीशन से इस सिस्टम को प्रमोट कर रही हूँ, दोनों ही पोजीशन को किंग, मतलब मैं किंग और क्वीन दोनों. तालियां. अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, सिर्फ 1% अभी लाइफ में अचीव किया है. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू एंड हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हैं. जो भी विजन आज सर ने दिया 2021 का, दैट इट विल बी हिस्टोरिकल. सो यस, इट विल बी ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल एंड हम सब लोग इस 2021 को हिस्टोरिकल बनाने वाले. यस और नो? यस और नो? अगर टोटल इनकम की बात करूं तो मेरी मेन पोजीशन पर मैं 6.5 लाख रुपए और मेरी विपुल जादव वाली पोजीशन पर 3.5 लाख, यानी कि टोटल 10 लाख रुपए मैं कमा के आपके सामने खड़ी हुई हूँ इसी सिस्टम से जिसके बारे में आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं. एंड बहुत सारे अप एंड डाउन साइज एग्जैक्ट साई लाइफ में, बट आई नो कि आप बहुत बड़ा जैक हमारी लाइफ में आने वाला है इस सेशन के बाद और हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं. थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच टू सौरभ सर कि उन्होंने मौका दिया आज अपने टेस्टिमनी को आपके सामने रखने का. थैंक यू. मेरा नाम वर्षा राणा है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ और अभी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ. जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, मेरा 4th ईयर अभी चल रहा है एंड मैंने कॉलेज की 2nd ईयर में ओटलार लाइफ को स्टार्ट किया हुआ था. मुझे जस्ट एक प्लान दिया गया एंड मैंने सोचा कि स्टडी करते करते हम अपना टाइम जो है वो फेसबुक व्हाट्सएप पे वेस्ट करते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ से मुझे कुछ इनकम आने लगे. और मे बी इनकम ठीक है वो तो हम कहीं से कमा ही लेते हैं, बट मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाऊँ, अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर पाऊँ. तो मैंने ओटलार लाइफ को चूज किया एंड देन मैंने यहाँ काम करना स्टार्ट किया. जब मैं जर्नी की बात करूँ तो मुझे स्टार्टिंग ड्यूरेशन में कोई ऐसा फील नहीं हुआ था कि मैंने ज्यादा कुछ करना है या जस्ट एक कोई मोटो बहुत बड़ा हो. सभी इंसान एवरी ज्वाइन कर लेते हैं. आई थिंक आप सभी लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो रैंडमली आ गए होंगे और स्टार्ट कर लिया होगा. मैंने भी सेम आप ही की तरह रैंडमली स्टार्ट किया एंड मैंने स्टार्ट करने के 8 मंथ्स के बाद 8 महीने तक मैं अपना क्यून स्ट्राइकर टैग अचीव कर चुकी थी. क्लैपिंग हो चुकी है. थैंक यू सो मच. आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, कई लोग यहाँ पे आए हैं तो मे बी कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी या मे बी कोरोना वगैरह का इशू होगा. सेम सिचुएशन, मैं क्यून स्ट्राइकर हूँ बट स्टिल मेरे साथ भी प्रॉब्लम है. मेरे फादर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं इस बिजनेस के अंदर काम करूं. मैं उनको बिना बताए यहाँ आई हूँ. इनफैक्ट जितनी भी ट्रेनिंग्स और मीटिंग सेशंस होते हैं मैं हर जगह अपने पेरेंट्स को बिना बताए आती हूँ. एट द लास्ट जो होता है वो डील कर लेते हैं. तो आप सभी लोग अगर इस ट्रिप के अंदर आए हैं ना,
किसी ना किसी की वर्डिंग्स को नोट किया होगा, कोई भी चीज शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं एक बात बताना चाहूंगी आप लोगों को कि मनाली की ट्रिप थी, मनाली की ट्रिप में मैंने एक चीज वहां सीखी थी। सभी मेंटोर्स वहां स्टेज पर थे, बट मैंने एक मेंटोर की बात को पकड़ा था, और वही पकड़ने के बाद मे बी फेब में मनाली की ट्रिप थी एंड देन मार्च एंड ये अप्रैल चल रहा है, मैंने एक बात को पकड़ा। आशीष दीवान सर के लिए बट क्लैपिंग हो सकती है। मैंने आशीष सर की बात को पकड़ा था, वहां पे सर ने एक चीज बोली थी, हर चीज का सॉल्यूशन, आई थिंक जो लोग मनाली में होंगे शायद उन्होंने नोटिस किया होगा, हर चीज का सॉल्यूशन दैट इज मीटिंग। नंबर ऑफ मीटिंग्स इंक्रीज कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैंने वही चीज को नोट किया अपनी डायरी में एंड देन मैंने अपनी मीटिंग्स को इंक्रीज कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे फादर मुझे स्ट्रिक्टली मना करते हैं बट स्टिल मैं आउट ऑफ स्टेशन जाती हूँ एक दिन दो दिन के लिए और मीटिंग्स और ट्रेनिंग सेशंस करने स्टार्ट कर दिए। एंड मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैंने जो मीटिंग्स करना स्टार्ट किया मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए। नाउ मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो उसका पैसा मतलब नहीं है, मतलब ये है कि मुझे खुशी मिल रही है कि मैं काम कर रही हूँ, मेरे नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज हुए। तो सेम चीज मैं बोलना चाहूंगी, आप लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत मुश्किल से पैसों को अरेंज किया होगा, बट लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ सीख कर नहीं जाते हैं ना, तो आई थिंक वो पैसा भी वेस्ट हो गया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो गई। तो आई थिंक हम सभी लोगों को किसी ना किसी मेंटोर की बात को पकड़ कर यहाँ से जाना है और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। ये तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए, ये एक जस्ट एक गाइडलाइंस थी कि शायद लोगे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं बोलना चाहूंगी ये तो जस्ट अभी का पार्ट था, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहली चीज आ जाती है मेरे ही मेंटर्स। तो मैं नीलेश सर की बात करूं तो सर मैं आपसे बात तो बहुत कम होती है, रेयरली केस में बात होती है, लेकिन सर आपके स्टेटस से मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। प्लीज आप गाने मत बजाइए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो थैंक यू सो मच नीलेश सर, मतलब आपकी गाइडलाइन से ही मैं आज स्टेज पे खड़ी हुई हूँ। एंड थैंक यू सो मच ब्रजेन सर, आज अगर ब्रजेन सर नहीं होते शायद मैं यहाँ नहीं होती। और मतलब मैं ये कहना चाहूंगी मेरी एक ही एक छोटी सी सोच है कि गर्ल्स जो होती है वो कुछ कर नहीं पाती अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि सो जो भी हमारी फैमिलीज प्रॉब्लम करती है, फैमिलीज कभी प्रॉब्लम नहीं करती, प्रॉब्लम आ जाती है कि दुनिया के लोग क्या सोचेंगे या हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, और वही सोच हमारे पेरेंट्स जो है वो फील करते हैं कि आप आउट ऑफ स्टेशन जा रही हो, आप बाहर रुक रही हो, आप लोगों से मिल रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। बट उन चीजों को आज अगर मैं हैंडल कर पा रही हूँ या मेरे फादर की प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल कर पा रही हूँ तो सिर्फ ब्रजेश सर की वजह से, क्योंकि सर ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है, इतना स्ट्रांग बना दिया है कि आज मैंने कसम खा ली है कि मैं जब तक लड़ूंगी जब तक मैं लोगों को प्रूफ नहीं कर दूंगी। एंड लास्टली पहली चीज तो ये आती है कि अगर इंस्पिरेशन कहीं से मिलती है तो बॉयज बहुत सारे हैं जो यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, बट अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिखना चाहिए कि यार कोई लड़की भी होनी चाहिए इस फील्ड के अंदर जो पहले से हो और अच्छा कमा भी रही हो और उसका नेम फेम भी हो। तो शानू मैम के लिए क्लैपिंग हो सकती है एक बार, उनको देखकर ही मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और उनसे मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। एंड लास्टली हेमेंद सर, थैंक यू सो मच हेमेंद सर, हेमेंद सर का गुस्सा बहुत तेज है और मैं बोलना चाहूँ तो मतलब इन द सेंस कि हेमेंद सर से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मुझे मिलती है। वो कट टू कट बात करते हैं, मतलब जो भी चीज है ना वो कट टू कट बात करते हैं और वही चीज मुझे अच्छी लगती है। मैं भी सेम चीज उनसे सीखी हुई हूँ, मैं भी कट टू कट बात करती हूँ, करना ऐसा करो वरना बाहर में जाओ। थैंक यू सो मच और मेंटर्स सरफराज सर, मैंने भी आप एक बार मीटिंग देने आए थे ग्वालियर में सर, उस टाइम पे भी मैंने आपसे बहुत सारी चीजें सीखी हुई थी एंड नो डाउट ऑल मेंटर्स आर सो 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 गुड एंड उन लोगों से ही सीखकर आज मैं स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं भी आप जैसी एज की ही हूँ, मतलब मेरी कोई एज इतनी ज्यादा नहीं है, बट लेकिन मैंने चीजों को सीखा लर्न किया और आज इसीलिए आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ। आप में से भी कोई भी यहाँ स्टेज पे आ सकता है, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। जर्नी ऐसी है अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं भी शायद एक दिन और स्टे करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई और ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई कि आई थिंक आप लोग क्विट कर देते, आप लोग काम नहीं कर पाते। मैं इस एज के अंदर भी अपने पापा से थप्पड़ खा चुकी हूँ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मुझे लाइफ में सक्सेस होना है।
नहीं है, मैं सर एक एक कहानी बता सकती हूँ. ओके, मैं 11th 12th क्लास की स्टूडेंट थी. एट दैट टाइम मैं मेरे घर में एंटर करती हूँ और जो फकीर होते हैं, जो मोमरन होते हैं, वो दरगाह वगैरह पे जाते हैं तो चादर लेके आते हैं और वो शायद बताते हैं लाइफ के बारे में और फ्यूचर बताते हैं आपका कि आप ये करोगे वो करोगे. तो एट दैट टाइम क्या हुआ कि मैं मेरे घर में एंटर करती हूँ और मेरे घर पे रेंट पे एक दीदी रह रही होती है जो दो दिन पहले ही शिफ्ट होती है और वो उनको बता रहे होते हैं कि आपके फैमिली में इतने लोग थे, ये एक्सपायर हो गए, ये जिंदा है और आप ऐसे हो, आपके हस्बैंड ये है, हर चीज वो सबको समझा रहे थे. आफ्टर दैट क्या हुआ कि मैं एंटर कर रही हूँ, वो मुझे देखकर क्या बोलते हैं कि ये लड़की जो है, ये लड़की बहुत आगे जाएगी और ये बहुत पैसा कमाएगी और ये विदेश की यात्रा करेगी. मैं ऊपर तक गई हूँ, मैंने सुन लिया सब कुछ. देन दीदी बोलती है नीचे आओ वर्षा. मैंने कहा सब बकवास है, यहाँ जहाँ से जाओ निकलो यहाँ पर. मैंने उनको जस्ट इग्नोर कर दिया. तो उस ड्यूरेशन में ना वो बोलते हैं कि वो दीदी बोलती है कि ये सब कुछ जो बोल रहे हैं ना मेरे बारे में जो बताया वो सब कुछ सही है. तो मैंने कहा दी मैं भी शायद कहीं से नॉलेज ले ली होगी. तो बोलते हैं मैं दो दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुई हूँ. वो बात मेरे दिमाग में आज तक क्लिक है. अब भले ही हम ये कह सकते हैं कि मे बी आपको कोई रियलाइज नहीं करा पाया कि आपकी पावर क्या है, बट हमारे साथ क्या होता है कि कोई अगर हमारा हाथ देकर हमें बोलता है ना कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे तो एक इंसान हार मान लेता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. बट अगर एक इंसान आपको हाथ देकर यह बोलता है कि आप आगे जाओगे तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे क्योंकि उसके लिए आप मेहनत करोगे. आपको ट्रस्ट अपने ऊपर नहीं है, आपको ट्रस्ट किसके ऊपर हो गया? जिस इंसान को अपना खुद का भविष्य नहीं पता. आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि उन बाबा को अपना भविष्य खुद नहीं पता और वो मुझे मेरा भविष्य बता रहे थे. बट एग्जैक्टली मैंने उनकी बात को पकड़ा और आज इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ. तो लास्टली थैंक यू सो मच एवरीवन.